in this module i will explain the concept of indexing in financial markets since we have used the concept of benchmark portfolio or managed portfolio when we decide whether or not you are going to invest in a certain security or a combination of securities when we were talking about the capital asset pricing model सो so, जब हम कैपम की बात कर रहे थे तो हमने उसमें कहा था कि कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप कैपेम को के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं या मेथड को फॉलो कर रहे हैं कि हमें इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में या कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए हमेशा उसके लिए आपको एक मैनेज पोर्टफोलियो या स्टैंडर्ड वाले पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और वोलिटिलिटी के साथ कंपेयर करना पड़ता है तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ने हमें हेल्प किया कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग को डेवलप करने में तो फाइनेंशियल मार्केट में इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है या इंडेस को इस्तेमाल किया जाता है द क्वेश्चन इज बाय एन इंडेक्स और इंडेक्सिंग होती क्या है तो एन इंडेक्स इज अ मेथड विच इज बेस्ड अपॉन ट्रैकिंग द इंफॉर्मेशन जो आपने कोई भी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज लिया है जो कि सपोज किसी एक सेक्टर को या पूरी मार्केट की या कैपिटल मार्केट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रही है आप उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एसेट्स की वैल्यूज को, को लेते हैं उसके अंदर हम प्राइसेस को लेते हैं उसके वेट्स को लेते हैं ठीक है तो प्राइसेस और वेट्स दोनों को अकाउंट फॉर करके आप एक इंडेक्स को डेवलप करते हैं एक स्टैंडर्डाइज तरीके से और उस इंडेक्स को फिर पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कंपेरिजन के लिए के कोई सिक्योरिटी आपको फायदा पहुंचा रही है इंडेक्स के हिसाब से आप कंपेयर करते हैं कि मार्केट में ओवरऑल अगर आठ परसेंट रिटर्न हासिल हो रहा है कोई एक सर्टन सिक्योरिटी या कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज आपको आठ फीसद या आठ फीसद से ज्यादा रिटर्न दे रही है तो फिर तो आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे Uh, अगर आप क्या पे उनके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको अगर आप कर लेंगे और अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो का कम है मार्केट से तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन uh, में नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इससे हमें नुकसान होगा तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंडेक्स ना इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्सेस भी बोल सकते हैं इसको प्लूरल में और इंडेसेस भी कहते हैं सो so, इंडेस या इंडेक्सेस मैयर करती हैं परफॉर्मेंस किसकी एक बास्केट की ठीक है और बास्केट किस चीज की बास्केट है वो उसके अंदर हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है जो कि एक सर्टन मार्केट की मूवमेंट को या मार्केट के जो कॉम्पोजिशन है मार्केट में अवेलेबल सिक्योरिटीज का या अवेलेबल जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं स्टॉक्स हैं उनकी उनको रिप्रेजेंट करने वाली स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन को हम मार्केट बास्केट बोल रहे हैं राइट right? सो so, कोई भी मार्केट की परफॉर्मेंस को या किसी सेक्टर की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिक्योरिटीज हैं या स्टॉक्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के अंदर उनकी कॉम्बिनेशन लेंगे उनकी उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की या सिक्योरिटीज की प्राइसेस को काउंट फॉर करेंगे और कौन सी सिक्योरिटीज का कॉम्पोजिशन का वैल्यू ज्यादा है उनका वेट ज्यादा है वो अहम है या कम अहम है उसके हिसाब से आप उनके वेट्स को डिसाइड करते हैं राइट नाउ देर कुड बी डिफरेंट टाइप देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट आर अवेलेबल दैट कैन बी यूज एज द मैनेज पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या आप उसको किसी एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इंडस्ट्रीज को डिफाइन कर सकते हैं सो so, हमारे पास ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जैसे उसके लिए अगर आप ग्लोबल लेवल के ऊपर देखें तो एस एन पी या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स फाइव हंड्रेड इंडेक्स है अगर आप पाकिस्तान में जनरली अगर आप ओवरऑल कैपिटल मार्केट मार्केट की स्टॉक के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वहां आपको के एस सी वन हंड्रेड इंडेक्स देखने को मिलता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी शरिया कंप्लाइंट फर्म्स हैं कंपनीज हैं उनकी ओवरऑल uh, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो फिर आप के एम आई थर्टी को देख सकते हैं राइट के एम आई थर्टी का मतलब है कि आप उसमें ओवरऑल जो ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक्स की सिर्फ उन कंपनियों की जो कि ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के, के टर्म्स में फर्स्ट थर्टी लेवल पे पहुंचती हैं और साथ में शरिया कम्प्लाइंट भी हैं तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देख सक देखना चाहें तो फिर आप 30 के एम आई थर्टी के वैल्यूज को देखेंगे वो आपका स्टैंडर्ड डिफाइन होगा राइट तो हम इंडस्ट्रीज को स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और देर कुड बी सर्टन इंडस्ट्रीज जो कि पर्टिकुलर सेक्टर को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को या किसी एक सेक्टर को फर्टिलाइजर सेक्टर को या जैसे आपने देखा ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है उस पर्टिकुलर सेक्टर की मूवमेंट को में इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को डिफाइन करने के लिए भी कुछ इंडस्ट्रीज बनती हैं तो द सर्टन इंडस्ट्रीज आर ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रीज सर्टन इंडस्ट्रीज आर सेक्टर बेस्ड इंडसेस तो दीज आर देरियस वैल्यूज दैट आर यूज फॉर द स्टैंडर्ड कंपेरिजन करने के वास्ते एज अ स्टैंडर्ड हम इनको इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स प्रोवाइडर्स डिफरेंट तरह की मेथोडोलोजीज को इस्तेमाल करते हैं जिसमें वेट्स फर्क हो सकते हैं जिसमें तरीका कैल्कुलेशन का फर्क हो सकता है बट दे कम अपज डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज दैट आर हेल्पफुल फॉर आस टू मेक बेटर डिसीशन मेकिंग वेन वी आर प्लानिंग टू डेवलप अ पोर्टफोलियो या हमने कोई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी हम इस तरह के वैल्यूज को ओवरऑल इंडेस को अकाउंट फॉर करके देखते हैं कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या किस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में या कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना वेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस तो इंडेक्स फंड मैनेजमेंट जो है उसमें हम बेसिकली करते क्या है कि इंडेक्स फंड मैनेजमेंट में हम इस तरह का एक फंड बनाने की कोशिश करते हैं जो कि ओवरऑल जो आपने मार्केट इंडेक्स लिया हुआ एज अ बेंच उसको रेप्लीकेट करें तो उसमें क्या करते हैं आप आप उसी कॉम्पोजिशन के अंदर अगर सपोज आप कहते हैं मार्केट इंडेक्स एक सेटल लिया है, हम इसी के हिसाब से अर्न करना चाह रहे हैं तो देन यू कैन कम अप विद इंडेक्स फंड मैनेजमेंट

वे ऑफ फॉलोइंग दैसेव इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड फॉलोइंग द इंडेक्सिंग मैथर्ड इनऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ फंड नेक्स्ट जो मैनेजर्स हैं वो एग्जैक्टली exactly जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टॉक्स को उसी परपोर्शन में ही लेना uh, में इन्वेस्ट करते हैं जिस परपोर्शन में जिस तनासुब से उनका जो स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया मार्केट के फंड को उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ही बेंच करके उसके हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिजाइन करते हैं नाउ कैपन बेसिकली की वजह से हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को uh, देखते हैं डेवलप होता हुआ इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को क्योंकि वहां हम बेंच करते हैं तो उसी से uh, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगा कि इससे ये ज्यादा बेहतर तरीका है ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है कि आप इंडेक्स को एज अ बेंच लें और फिर आप अपने डिसीजन करें उसके अकॉर्डिंगली उसकी रोशनी में नाउ Uh, इसी तरह से वी गो फॉर द बीटा वैल्यू कि आपको पूरे uh, पूरा मार्केट का जो एक्सेस मार्केट रिटर्न है उसको काउंट फॉर करके यू कैन हैव एन आइडिया कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए कितना रिस्क प्रीमियम होना चाहिए और अगैन दिस कैन दिस हेल्प्स अस इन मेकिंग बेटर डिसीजंस अबाउट द पोर्टफोलियो बिकॉज सपोज अगर आ, आ, हर जो फंड मैनेजर है वो कोशिश करेगा कि जो इंडेक्स कोई भी उन्होंने लिया एज अ पैमाना और अ स्टैंडर्ड हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए जो कम अज कम उसके हिसाब से आपको रिटर्न दे या उससे बेटर दे लेकिन सपोज अगर कोई फंड मैनेजर ने इस तरह से फंड मैनेजमेंट की है और पोर्टफोलियो डिफाइन किया है जिससे जो ओवरऑल आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो लो है उस इंडेक्स से जो आपने स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है फॉर एग्जांपल के 100 है या एस एंड पी फाइव है अगर आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो की उस इंडेक्स से कम देखने को मिल रही है तो ऐसे के पोर्टफोलियो में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ऐसे ऐसे के पोर्टफोलियो को कोई पसंद नहीं करेगा तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो अ सर्टन स्टैंडर्ड इंडेक्स एज अ बेंचमार्क एंड देन कम अप विद अ पोर्टफोलियो दैट कैन आइदर रेप्लीकेट दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो या कोई इस तरह के कॉम्बिनेशन आप फंड मैनेजर्स लेना चाहते हैं जहाँ कम अज कम आपको इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न के तौर पे मिल रही हो या आप उससे ऊपर जनरेट कर सकें अपने रिटर्न्स को सो दैट यू आर एबल टू बीट द मार्केट